फिमिना मैं मिस इंडिया 2013 के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एज द डी डे गेट्स क्लोजर हमारी फाइनलिस्ट पे प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और आज के एपिसोड में द गर्ल्स विल मीट द फिटनेस एक्सपर्ट पायल गिडवानी तिवारी फॉलोड बाय देयर फर्स्ट एटिकेट लेसन विद समीरा मर्चेंट और फाइनली वो मिलेंगी द वेस्टर्न मुंबई गार्डन सिटी के एग्जीक्यूटिव शेफ अजय चोपड़ा से जिनके साथ होगा एक स्पेशल कुकिंग सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi, I'm Payal Gidwani Tiwari and I have a wellness studio called Cosmic Fusion. I've been doing yoga since 10 years. Pons Femina Miss India se association mera pehla saal hai. They are going to their 50th year, so it's really a privilege to be with them. 23 contestants are going to be under a lot of pressure. So I think yoga is going to give them a lot of positivity, which is very, very important. And this is what the girls are going to take back from me. आज हमारा पायल गिदवानी तिवारी जी के साथ पहला सेशन है। आई थिंक हम लोग सबके लिए बहुत एक्साइटिंग दिन है बिकॉज सब बहुत जल्दी उठकर वेरी एक्साइटेड टू हैव द योगा सेशन विद हर और उनके साथ योगा सीखने का मौका मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाय गर्ल्स, वी स्टार्ट विद अ वार्म अप। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल ईज आउट। गर्ल्स widen the feet, hold it, 10, 9, 8, 7. पायल तिवारी ने जो हमें टिप्स दी हैं हाउ टू ईज डाउन ऑन एंग्जाइटी लेवल्स एंड स्ट्रेस को कम करने के लिए, आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, आसन सिखाए, कैसे आसन किया जाता है, शिवासन, शवासन, वीरभद्रासन, पद्मासन और काफ़ी सारे आसन सिखाए। नमस्ते, मेरा नाम सुप्रिया अमन है। मैं 22 साल की भगवान बुद्ध और महावीर की धरती बिहार से हूँ। मैंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत अपने कॉलेज टाइम से की। सबसे पहले मैंने कुछ फैशन शोज किए, कुछ रीजनल ब्यूटी पेजेंट्स जीते, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज अपने मेहनत और लगन के बदौलत यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मेरा मानना है कि एक इंसान मिट्टी, जल, वायु और अग्नि से मिलकर बना होता है और मैं इन चारों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हूँ। अपने आत्मविश्वास, अपने लगन, मेहनत और आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस सपने को जरूर पूरा करूँगी। योगा इन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मॉडलिंग करने वाली हैं, उनके लिए पीयर प्रेशर ज़्यादा होंगे तो उनको हमेशा काम रहना पड़ेगा। व्हेन दे वॉक ऑन स्टेज व्हिच वी आर गोइंग टू डू इन द फिनाले, इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प देम टू कम आउट एज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। पायल जी ने आज हमें जैसे ट्रिक्स दिखाए, टिप्स दिखाए, वो अगर हम ट्रूली करें तो ये लॉन्ग रन में हमें हेल्प करेगा। इस सेशन के बाद मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रही हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है, काफ़ी शांति लग रहा है चारों तरफ। और अब वक्त है फॉर अ गर्ल्स टू मीट पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013 के एक और एक्सपर्ट से समीरा मर्चेंट। समीरा मर्चेंट द क्वीन ऑफ इंग्लिश जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड वुमेन है, आज उनके साथ हमारा सेशन होने वाला है। इट इज अबाउट डिक्शन, इट इज अबाउट स्पीच, इट इज अबाउट पॉलिशिंग अप योर स्पीकिंग स्किल्स। दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर। आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ईच वन ऑफ यू, सो आई विल टेल यू वेयर यू नीड टू इंप्रूव एंड देन वी विल डू माय एक्सरसाइज। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, वी आर वेरी गुड स्पीकर्स, वी डोंट नीड इम्प्रूवमेंट, बट समीरा मर्चेंट इज समवन who will show you where you stand and I really need that. Good afternoon ma'am. Namaste. Sat Sri Akal ji. My name is Panchami, 20 years old and I'm from Goa, a student of TYBCA. Here I am to give myself a chance to showcase my talent and learn a lot in return. Thank you. After such a bright speech, fuse is gone. Thank you. It should be
Thank you. The same level as you've spoken. Thank you. Don't finish it with the sentence. Mm-hmm. Say thank you as a separate thing. Thank you. मुझे नहीं लगता उनकी कोई एक भी लाइन ऐसी होती है जो हम कहते हैं हाँ ठीक है हमें पता है. No, she has so much to teach us and I'm so glad that finally we got to meet her. Good afternoon, ma'am. My name is Zoya Afroz. I'm 19 years old and I belong to the city of Nawabs, Lucknow. And I'm currently pursuing my first year in BA. I love playing badminton and basketball in my free time. Ever since I was young, I have dreamt of becoming Miss India. I believe with my hard work and dedication, I will definitely fulfill my dream. Thank you. Okay, thank you, thank you. Fine, quite clear, and your speed was fine too. Great. What do we have to say at the end of this round? What did you think you, where is the area most of you need improvement? The speed and the connection and the emphasis and the stopping and the starting and the looking and the actual working with the charm of your whatever charm you have, just throw it out there. Just come out there and say, seduce the audience. Watching Sabira teach us and learning from her today has truly been a magical experience. She is really the queen of English language. Sapno ke sheher Mumbai se main hoon Sanjana D'Souza. मैं 18 साल की हूँ. माई सन साइन इज स्टोरी. रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी. सो आई कीप माई माइंड फिट बाय रीडिंग बुक्स एंड माई बॉडी बाय प्लेइंग बास्केटबॉल. मिस इंडिया क्राउन मेरे लिए सब कुछ है. इट विल गिव मी अ चांस टू रिप्रेजेंट माई कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. Rick, welcome back to Pons Femina, main Miss India 2013. So, ab seedhe chalte hain hamare special session ki or, jahan pe the Westin Mumbai Garden City ke executive chef Ajay Chopra hamari girls ko cake banana sikhayenge. Well, Femina Miss India ki sari finalists Westin Mumbai mein aa chuki hain. अंदर से तो बहुत खुशी हो रही है कि रेस्टोरेंट में आई हूँ. खाने को मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इतने दिनों से डाइटिंग कर करके हड्डी पसली एक हो गई है. पता नहीं क्या होने वाला है. खाना खिलवाएंगे या खाना बनवाएंगे. Well, good morning, everybody. Good morning. आज थोड़ा डिफरेंट डे है. जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि आज आपने जो मेकअप किया है उसके साथ साथ आपको कुछ और भी करना पड़ेगा. क्या? आज हम करेंगे केकअप. Which is exactly similar to makeup. Yeah. Isn't that exciting? Yes. आपके सामने केक है, केक के इंग्रेडिएंट्स हैं. मैं आपको दिखाऊंगा कि उस केक को मेकअप कैसे करना है, यानी केकअप कैसे करना है. और फिर आप लोग सब अपनी अपनी स्किल्स ट्राई करेंगी. यू कैन गो वाइल्ड विथ फ्लेवर्स. देयर इज सो मच हियर. सबसे पहला फाउंडेशन है कि आपको एक शेफ की तरह थोड़ा सा ड्रेसअप करना पड़ेगा. सब बिल्कुल शेफ लाइक लग रही हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू फर्स्ट कि केक बनाया कैसे जाएगा. जब शेफ ने स्टार्ट किए केक बनाना तो मैं सिर्फ उनके हैंड के मूवमेंट्स को देख रही थी कि किस तरीके से वो क्रीम को बेस पे लगा रहे, फिर उस पे कलर्स ऐड कर रहे, फिर उसे किस तरीके से डेकोरेट करते जा रहे. और केक का फाइनल कंपोनेंट केप गूसबेरीज. उन्होंने 2 मिनट में एक इतना खूबसूरत केक बना दिया. इतना टेम्पटिंग था, वो मन कर रहा था बस जाकर अभी छीन कर खा लूं. Shikal ji, I'm Akshita Agnihotri, 24 years old, and I come from Chandigarh. As my name says, Akshita Agnihotri, so that means fire describes me the most. मुझे हमेशा से ब्यूटी टेक्नीशियन बनना था. सो आई वेंट ऑन एंड टुक द डिग्री एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट.
India crown means a lot to me because it's a gateway to new world of achievements, pride for myself and for my country. Now we can start. अभी जस्ट मैंने स्टार्ट की केक बनाना, मेरा फर्स्ट लेयर हो चुका है. पहले भी मैंने एक बार केक बनाई थी पर वो पत्थर बन के निकला था, तो मेरी मॉम बोली थी आइंदा से कभी किचन में एंट्री नहीं करना. अब फाइनली एक चांस मिला है मॉम को प्रूव करने के लिए, देखो मैं इतना अच्छा केक बना सकती हूँ. पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया का ये 50th पेजेंट है और आज तक मुझे नहीं लगता कि कुकिंग को इस पेजेंट के साथ इन्वॉल्व किया गया है. आज पहली बार ये हम कर रहे हैं और आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग. You know, actually, I don't bake, but I love to decorate the cake. I used to do my own birthday cake. I never let anybody touch my birthday cake. मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेकअप ही करेंगे बट केक कब करेंगे ये मुझे कभी पता नहीं था. एंड पहली बार ये टर्म हमने आज सुना है एंड इट्स ऑसम कि केक अब भी होता है एंड वी आर डूइंग दैट. आई थिंक सारी की सारी फाइनलिस्ट बहुत एंजॉय कर रही हैं. आप देख सकते हैं कि कोई चॉकलेट के साथ अपने केक को गार्निश कर रहा है, कोई क्रीम और स्ट्रॉबेरीज को मिला रहा है. आई थिंक ये दुनिया का 8वां अजूबा बनने वाला है. I'm sure. I'm so confident about well done. मैं भी खाऊंगी तुम्हारा केक. I know. पता नहीं अभी मेरा केक ये क्या बन रहा है. पहले लेयर पे चॉकलेट डाला, सेकंड लेयर पे मैंगो डाला, थर्ड लेयर पे स्ट्रॉबेरी डाला. पता नहीं कोई खाएगा भी कि नहीं मेरा केक. हाँ, खिचड़ी बना रही हूँ. आई थिंक सब लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन अगर कोई भी स्टैंड आउट कर रहा है तो वो है अनन्या, अर्चिता और सुकन्या. सब लोग परेशान लग रहे हैं, बहुत परेशान. सब लोग अपने अपने काम में जुटे हैं, कौन क्या कर रहा है कोई नहीं देख रहा है किसी को. बस मेरा केक अच्छा बनना चाहिए और कुछ नहीं. ऑलराइट, आपके केक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं आपके पास. प्लीज जल्दी कीजिए. माय लास्ट 5 मिनट्स आर गोना बी मैनिक. आई एम पैनिकिंग. I'm enjoying this experience. Whatever we are doing, it's so much fun. Final touch up दे रही हूँ मैं अपने इस केक को. दिखने में तो वैसे ही अच्छा लग रहा है सुकन्या, तो hopefully शेफ को पसंद आना चाहिए. आज मॉम का बर्थडे भी है तो ये मॉम का बर्थडे केक हो गया. मैंने सोचा था अपना केक को थोड़ा सिंपल ही रखती इसलिए बस सिंपल ही है ये. ये केक मैं नाम रखूंगी सानिया केक क्योंकि ये मेरी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है एंड आई विश कि ये केक सानिया का पहले. From the city of Chai, Kolkata, I'm here Sukanya Bhattacharya representing Abong Beauty on this prestigious platform of Miss India 2013. Before coming into Miss India, I was working as a flight attendant. Modeling has never been my job, but at some corner of my heart, I always dreamt of being a model. There's a saying, different people don't do different things. They do things differently. And I strongly believe in that. And I feel I'm here to achieve my dreams in the same way. All right, girls, your time is up. Can I see your cakes now, please? Wow, Ananya, that looks great. Excellent, looks very nice and clean. Looks like a Halloween cake, but nice. Khichdi cake, yeah. Oh, that's nice, that's very nice. Girls, this looks amazing. Very well done. See, Ananya, I think, बहुत simple लड़की है और उसने सोचा कि बिल्कुल केक एकदम simple होना चाहिए लेकिन tasty होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो दिख रहा है. अक्षिता बहुत colorful लड़की है, उसके केक में वो दिख रहा है. अर्चिता और सुप्रिया दोनों का केक देख के ऐसा लग रहा है कि वो बनाने कुछ और चली थी और बन कुछ और गया.
इस इंटरेस्टिंग केक मेकिंग सेशन के बाद हर एक पैनलिस्ट के चेहरे पर एक स्माइल है. सो लेट्स नाउ मीट अ स्माइल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर सुहास लेले हु विल हेल्प द पैनलिस्ट रिटेन दैट कॉन्फिडेंट स्माइल. Dr. Suhas Lele walked in with a very bright smile into the room. All of us were looking at him. Good afternoon, girls. And he also charged us up. Hi, I'm Dr. Suhas Lele, official smile care expert for this very prestigious 50th Golden Jubilee Ponds Femina Miss India. जैसे हमारा मेकअप इम्पॉर्टेंट है, हमारे बाल इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा स्माइल. स्माइल के लिए क्या होना जरूरी कि आप स्वस्थ होना बहुत जरूरी है. स्वस्थ का मतलब योर बॉडी, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर ब्रीदिंग हैबिट्स. तो स्माइल इज समथिंग, अगेन इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द सोल इनसाइड. बस बाकी सब छोड़ दो. इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी सर्टेन क्वेश्चन, जो कुछ पूछना था जरूर पीछे पूछिए. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट स्टिल आई लाइक टू आस्क कि डेली बेसिस पे हम कैसे केयर ले. आंसर टू योर क्वेश्चन इज लाइक टू टाइम्स ब्रशिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू सपोर्ट इट विद फ्लॉस फर्स्ट एंड देन ब्रश. नाइट ब्रशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट एट ऑल. वी लर्न अ लॉट ऑफ हैंडी टिप्स फ्रॉम डॉक्टर लेले. आई मीन देयर आर थिंग्स दैट वी नो बट वी टेंड टू फॉरगेट, लाइक ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस अ डे. ऑल दीस थिंग्स रियली हेल्प इन मेकिंग आवर स्माइल बेटर. I want to ask about teeth whitening. कितना टाइम तक वो रहता है? If you don't have habits of like red wine, coffee, smoke, generally 2 years. And if you got the habit, immediately next day. So with these few tips, मैं ये जो smile design का छोटा सा मेरा topic था, मैं यहाँ conclude करना चाहता हूँ. I wish you all the best. अगले एपिसोड में द फन कंटिन्यूज एंड सो डज द ग्रूमिंग ऑफ आवर टॉप 23 फाइनलिस्ट्स ऑफ पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013. टिल देन यू कीप वाचिंग Zoom, India's number one Bollywood channel. So you've got to shop within 20 minutes for 1,300 rupees to change, enhance and personify your style.